नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। इंडियन रेलवे ने प्राइवेट ट्रेनों के लिए रास्ता खोल दिया है, जिससे कि रेलवे और आम जनता दोनों को ही फायदा होगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। निजी ट्रेनों को चलाने के फैसले पर के बीच रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ये अतिरिक्त ट्रेनें होंगी, इससे हर कोई लाभान्वित होगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे में निजी रेलगाड़ी चलाने का विरोध करते हुए कहा था कि इससे गरीब की जीवन रेखा छिन जाएगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने कहा कि इसे शुरू होने में 3 साल लगेंगे। हमारी कोशिश होगी कि अप्रैल 2023 तक प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाए। प्राइवेट ट्रेन किस तरह परफॉर्म कर रही है, उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5% ट्रेनों के निजीकरण का फैसला किया है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगा। बाकी 95% ट्रेनें रेलवे की तरफ से चलाई जाएंगी। ये देश के उन यात्रियों के लिए तोहफा होगी जिन्हें प्रतीक्षा सूची लंबी होने की वजह से यात्रा करने में मुश्किलें पेश आती है। चलाई जाने वाली प्राइवेट 151 ट्रेनें भारतीय रेलवे की ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। इन ट्रेनों का संचालन उन्हीं रूटों पर किया जा रहा है जिन पर यात्रियों का बहुत बोझ है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर निजी ट्रेनें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेंगी। किराया AC बस और हवाई किराया को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। आपको बता दें कि इन ट्रेनों के ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन मास्टर और अन्य कर्मचारी रेलवे के ही होंगे, जिसके लिए प्राइवेट कंपनियों को भुगतान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।